देखिए, अगर बात कही जाए तो हमें लगता है कम से कम 14 में से 8 सात आठ लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। विधानसभा की बात कही जाए तो उत्तरी छोटा नागपुर के मैक्सिमम सीटों पर हम लड़ सकते हैं, कोल्हान की सीटों पर लड़ सकते हैं और रांची की कुछ सीटों पर लड़ सकते हैं। हम लोग संथाल परगना की एक आध सीटों पर, जिसमें देवघर, चतरा सॉरी जामताड़ा और गोड्डा आता है। हजारीबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे तो हजारीबाग के किस सीट पर, किस विधानसभा पर आपकी नजर है? जाहिर सी बात है, जब लोकसभा सामने है तो हम लोग की नज़र लोकसभा सीट पर है, धनबाद सॉरी हजारीबाग लोकसभा। विधानसभा पांचों सीट से लड़ेंगे फिर? हाँ, जब लोकसभा में, अगर देखिए लोकसभा में हम लोग आकलन कर लेंगे, अगर लोकसभा में हमारा प्रदर्शन बेहतर रहता है, संतोषजनक रहता है, तो जाहिर सी बात है हम लोग उसके हिसाब से अकॉर्डिंग लोकसभा हम लोग विधानसभा में जाएंगे। कैंडिडेट का चुनाव कैसे करिएगा, मुश्किल नहीं होगा? हाँ, कैंडिडेट का चुनाव करना मुश्किल होगा, लेकिन उसके लिए आज के डेट में जब युवा इतना कुछ सेक्रीफाइस किए हैं तो निश्चय ही कोई अपनी महत्वाकांक्षा लेकर पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता है, वो राज्य की दशा और दिशा को बेहतर करने के लिए आना चाहता है। ऐसी परिस्थितियों में समस्या होंगी, लेकिन मुझे लगता है इस समस्याओं का भी निदान होगा और बेहतर जो हमारे कैंडिडेट होंगे वो अपने आप एक फ्रेश होकर फिल्टराइजेशन होकर सामने आ जाएंगे। कोई चेहरा बनाने की स्थिति में है अभी? तो फिलहाल तो स्थिति में नहीं, लेकिन बहुत दिन बहुत कम समय के बाद आपको कुछ चेहरे दिखेंगे जो मैंने हजारीबाग लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का सामर्थ्य रखते हैं। जयंत हजारीबाग से, जयंत सिंह वहाँ और उनके पिताजी, बीजेपी का कब्जा रहा है हजारीबाग लोकसभा से, तो क्या आप अभी अगर बीजेपी को आप मत दे पाएंगे? बिल्कुल, चूंकि अभी तक हमारे जो वोटर्स थे उन्हें एक आइडियोलॉजी नहीं मिली थी, उन्हें ये नहीं मिला था कि ये लोकसभा में जाके करेंगे क्या। अब हम उन्हें प्री प्लानिंग बताएंगे कि लोकसभा में हमारा क्या रोल रह सकता है, क्यों नहीं मात देंगे। बीजेपी अगर बात करती है अपना शहरीकरण वोट की, तो हजारीबाग के अलावा जो भी बाकी चार विधानसभाएं वो तो ग्रामीण है, मांडू ग्रामीण है, बड़का गांव ग्रामीण है, रामगढ़ ग्रामीण है, बरही ग्रामीण है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, निश्चय हम लोग माप देंगे। बस स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और आपके पास विजन होना चाहिए कि लोकसभा आप जाएंगे तो वहां जाके क्या करेंगे। और जाहिर सी बात है परिवारवाद का अंत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, सबका एक टाइम और पीरियड होता है। जब 2014 का टाइम आया था तो मोदी का एक जोरदार मैजिक था और वास्तव में लगा कि मैंने मोदी के अलावे दुनिया में और कुछ है ही नहीं, लेकिन समय बीता, उनकी नीतियां देखी, उनके व्यवहार को देखा, उनके आचरण को देखा, उनके वादों को देखा, उनके भाषणों को लोगों ने सुना और लगा कि नहीं, अब थोड़ा सा पैटर्न बदलना चाहिए। और जनता ने भी इस बात को एनालिसिस किया है कि हम लोग बिकाऊ जनता बन के वोट देते हैं, इसीलिए हमारे नेता भी बिकाऊ हो जाते हैं और कॉरपोरेट जगत के गोदी में जाकर बैठ जाते हैं। तो इस बात का जनता ने एनालिसिस किया है और मुझे लगता है 2024 के चुनाव में मैं पूरे देश की तो नहीं कहूं, लेकिन झारखंड में बदलाव दिखेंगे, किसान आंदोलन जहां हुआ उन क्षेत्रों में बदलाव दिखेंगे कि अब जो भी पॉलिटिक्स मतदाता हैं कहीं ना कहीं अब जो सबसे बड़ा विषय रहा है धन बल का, उस पर अंकुश लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं कभी नहीं होगा। नए सिद्धांत, नया पैटर्न, न्यू थिंक, न्यू सोच, समय लगेगा स्टेब्लिश होने में, यही पल्लवित, यही एक दिन आगे बढ़ेंगे, यही पुष्पित होंगे, यही फलित होंगे, लेकिन जो अब अपना अंतिम पायदान पर है ऐसे लोगों को लाकर हम लोग रिस्क भी नहीं लेना चाहेंगे। नॉट अलाउड का नहीं, बिल्कुल नॉट अलाउड है, क्यों नहीं रहेगा, क्या विश्वास है कि हमारे साथ चलेंगे? मतलब इसका भी डर है कि हाईजैक कर सकते हैं? बिल्कुल डर रहेगा कि हाईजैक कर सकते हैं, हमारे साथ आने के बाद, हमारा इस्तेमाल करने के बाद वो कहीं जा सकते हैं। बाबूलाल मरांडी नहीं बनना है। मतलब जो भी रहेंगे आप युवा ही रहेंगे? युवा ही रहेंगे, इस बात को तय मानिए, आप जो भी रहेंगे नए चेहरे ही रहेंगे, कोई पार्टी से नहीं आएंगे? हाँ, खासकर जो रूल कर चुके हैं पॉलिटिक्स, वैसे तो बिल्कुल अलर्ट। अगर ऐसा बात कहिएगा तो मैं आपको अंदर खाने बता रहा हूँ, अभी 8% में झारखंड सरकार के एक दो मंत्री संपर्क किए हैं, हालांकि आपको यकीन नहीं करेंगे लेकिन हम झूठ नहीं कहते, हर बात को हम स्वीकार करते हैं, एक दो मंत्री संपर्क किए हैं और लगभग आधा दर्जन विधायक संपर्क किए हैं और तीन पूर्व सांसद संपर्क किए हैं। तो जाहिर सी बात है भले लोग हम लोग को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन जब एक क्रांति आती है, चाहे जयप्रकाश नारायण हो या किन्हीं और की क्रांति हो, क्रांति इसी तर्ज पर आती है, कोई उम्मीद नहीं करता है और एकाएक आती है। और भले जो लोग हम हल्के में ले रहे हैं उन्हें कहिएगा नीतीश कुमार गंभीरतापूर्वक हमें वाच कर रहे हैं, उसी का उदाहरण है कि कुछ दिन पहले आते हैं झारखंड में मुख्यमंत्री महोदय से मिलते हैं और जाके बिहार में भी ओपन का काम करते हैं। ये एकाएक नहीं है, ये प्री प्लानिंग है, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं आज की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार जैसे सुलझे हुए इंसान बहुत कम दिखेंगे। उनकी जो इच्छा है हम भी उनकी इच्छा का सम्मान करते हैं, बिल्कुल पीएम कैंडिडेट योग्य हैं वे भी, तो वे जाहिर सी बात है जब उनकी पार्टी नेशनलाइज नहीं बनेगी तो अभी एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उनको अपना 6% 3 राज्यों में, जैसा कि जानकारी है आपका वोट परसेंटेज होना चाहिए, 3 राज्यों में आपके विधायक होने चाहिए कुछ परसेंटेज है, तो उसके लिए झारखंड को टारगेट करेगी, क्योंकि झारखंड बिहार से अलग हुआ है। और किस बेसिस पर टारगेट करेगी? छोटा भाई के नाते। तो इसीलिए जब देखा कि झारखंड में 60-40 है, वो वहाँ 57-43 पे चली गई, 3 नीचे ही चली गई है,
तो लिहाजा इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। यहीं आपके राज्यसभा सांसद माननीय खीरू महतो जी जाते हैं, सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, लेकिन वह राजनीतिक अंतिम पड़ाव पर थे, संन्यास की स्थिति में थे। उस शख्स को उठाकर अगर वो माननीय नीतीश कुमार अगर दिल्ली भेजे हैं तो कहीं ना कहीं आंदोलन के प्रभाव के कारण। इस बात को आपको 1% ही मानिए लेकिन मानना होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।